करेगी और मुझे भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार घोषित करेगी। मुझे भारतीय जनता पार्टी संगठन जो निर्णय लेगा उस निर्णय पर मैं खरा उतरूंगा। यदि मुझ पर भरोसा करा तो ठीक, अगर मेरे अलावा किसी अन्य साथी को टिकट भारतीय जनता पार्टी देती है तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर उस संगठन जो निर्देश देंगे उसका पालन करूंगा। क्या भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह का विरोध के स्वर उठ रहे हैं, संगठन में जिस तरह की बातें हो रही है, तो क्या आप सारे संगठन की व्यक्तियों को एकजुट करने में सफल हो पाएंगे? बिल्कुल निश्चित, सारे जो उम्मीदवार, अभी सबको अधिकार है उम्मीदवार करने का। जिस रोज भारतीय जनता पार्टी किसी एक व्यक्ति को चिन्हित कर देगी, उसकी टिकट फाइनल हो जाएगी, तो सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर इस मिशन 2018 को हम सफल करेंगे। आपका एजेंडा क्या रहेगा आने वाले समय में? यदि भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर भरोसा करा तो पहला तो ये रहेगा शिक्षा, स्वास्थ्य और हमारे इस थानला विधानसभा क्षेत्र में जो आदिवासी समाज अधिक रहता है वो खेती पर निर्भर है। अधिकांश खेती संपन्न होने के बाद, खेती जैसे समाप्त हुई, अपने बीज वगैरह सब समेट के और पलायन पे चले जाते हैं। तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि वो पलायन ना करें, छोटे छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग इस तरह से यहाँ स्थापित करेंगे ताकि वो यहाँ से अन्य क्षेत्र में पलायन ना करें। ये बता, मेरे लिए सामने कोई भी आ जाए, यदि मुझ पर भारतीय जनता पार्टी ने अगर विश्वास और भरोसा जताया तो सामने कोई भी आए, मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता साथ में, और मैं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाऊंगा। जैसे कि आपके भी करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है वो मेरे कंधे से कंधे मिलाकर काम करेंगे और मिशन 2018 हम भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। संघ का निर्णय जो है वो संघ ही निर्णय करेगा, उनके बारे में संघ को कितना काम करना है, यहाँ किस लिए काम करना है, वो संघ का निर्णय है, वो भारतीय जनता पार्टी का निर्णय नहीं है। वो संघ अपने स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए वो सक्षम है और वो खुद निर्णय लेगा। तो संघ के कोटे से क्या है, संघ एक सुझाव देता है राष्ट्र के हित में, क्षेत्र के हित में क्या सही है क्या बुरा है, वो मार्गदर्शन करता है, क्योंकि हमारी वो मातृ संस्था है, उनके मार्गदर्शन में हम लोग सब काम करेंगे। मानोगे? मैं उसी सिद्धांतों के आधार पे जो क्षेत्र के विकास में, जो क्षेत्र के विकास के लिए जो जो मुझे करना पड़े मैं तो करने के लिए तैयार। तालमेल कैसे बिठाएंगे इनके साथ में? आपका तो इस क्षेत्र के विकास में यहाँ की जनता, यहाँ के लोग सभी, भाई साहब विकास तो के भ्रष्ट लोगों का सामने मुकाबला करने की स्थिति तो पहली बात तो आएगी नहीं। यदि ऐसी स्थिति बनती भी है तो हमारा भारतीय जनता पार्टी संगठन जो है वो सक्षम है उनका जवाब देने के लिए, मैं भी सक्षम हूँ उनका जवाब देने के लिए। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी संगठन ने भरोसा करा तो मुझे टिकट मेरा निश्चित करा और मैं चुनाव जीत के आया और MLA बना, तो निश्चित रूप से ऐसे जो क्षेत्र के विकास में, चाहे मेरा दोस्त होगा या कार्यकर्ता होगा, अगर विकास के बीच में अगर कोई आड़े आएगा उसके लिए मैं उचित कदम उठाऊंगा, ये मुझ पर भरोसा कीजिए। बात तो हमारा एक ही नारा है भारतीय जनता पार्टी का, सबका साथ सबका विकास, और हम निश्चित रूप से इसी सूत्र के आधार पर ही काम करेंगे। हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए या जाति विशेष के लिए काम नहीं करेंगे, हम सबके साथ सबके विकास के लिए तत्पर रहे। आप RSS से जुड़े हुए हैं, आपकी विचारधारा कट्टर हिंदुत्ववादी की रही है, तो आपको क्या लगता है, क्या मुस्लिम या क्रिश्चियन कम्युनिटी आपको, आपके ऊपर भरोसा करेगी, या किस तरह से आप उनको, उनके लिए क्या करेंगे? हमारा भरोसा और विश्वास दिला रहा हूँ, हमारा उद्देश्य है सबका साथ सबका विकास। मेरे थानला विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख
28,000 और ऊपर जो मतदाता है, हम सबके लिए काम करें। हम ना किसी समाज व्यक्ति विशेष के लिए, ना किसी समाज विशेष के लिए, हम सबका साथ सबका विकास को लेके चलने वाले हैं।